1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान कार्यक्रम चलने जा रहा है, जिसमें शासन स्तर से इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है कि जो महामारी वाली डेंगू वगैरह जैसी बीमारियां हैं, इस पर पूर्णतया नियंत्रण कर लिया जाए और गांव की नज़दीकी त्योहारों को देखते हुए साफ सफाई भी बढ़िया से करा ली जाए। उसी के संदर्भ में सफाई कर्मियों की आज बैठक बुलाई गई है, उसके लिए इन लोगों की टोली बनाई गई है, उनको दिशा निर्देश दिया गया कि किस तरह से ये लोग सफाई कार्य करेंगे और किन किन स्थलों पर किन सफाई कर नालियों को सफाई करने के बाद कूड़ा निस्तारण या उसकी गंदगी निस्तारण उसको उचित ढंग से किया जाए और ये अपने रोस्टर के अनुसार उपस्थित होकर कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं भारतीय स्टेट बैंक कोपागंज का शाखा प्रबंधक आशुतोष कुमार सिंह हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ग्राम प्रधान अपने इलाकों में जाके जितने भी लोग हैं सभी का खाता खुलवाना सुनिश्चित करें। सभी का खाता रहेगा तभी सारी चीज़ की सुविधाएं आएंगी, जैसे छात्रवृत्ति आएगी, किसान सम्मान निधि आएगा। इसी के साथ भारतीय स्टेट बैंक और सारे विभाग जो हैं SHG महिला समूह एक विशेष ध्यान दे दिए। बैंक महिलाओं के समूह को लोन देता है उनका किसी भी तरह का कार्य करने के लिए, पशुपालन के लिए, किराने की दुकान खोलने के लिए। तो आप सभी लोग कृपया 10 या 12 महिलाओं का समूह बनवाइए और उन सबका खाता बैंकों में खुलवा कर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाइए। तीसरी चीज गोल्ड लोन। ऐसा देखा गया है कि अभी भी कुछ वंचित तबके या फिर गांव के लोग लोकल साहूकारों से बहुत ही ऊंचे दरों पे गोल्ड लोन ले रहे हैं, करीब 3% 4% महीना की दर पे, जबकि वही गोल्ड लोन 9.5% सालाना दर पे भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध है। तो कृपया इसका प्रचार प्रसार कीजिए ताकि सभी लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और आपका सोना उस बैंकों में लाकर में सुरक्षित भी रहेगा, तो ये विन विन सिचुएशन रहेगी सभी के लिए। साथ ही भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं हैं, सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा। मात्र 20 रुपये में सुरक्षा बीमा अवेलेबल है और 436 रुपये में जीवन ज्योति बीमा है, जिसमें कि 2 लाख का बीमा हो जाता है। तो आप सभी अपने ग्राम में इसका प्रचार प्रसार कीजिए, सभी ग्रामवासियों को इन योजनाओं का लाभान्वित करवाइए। देखा जाए दलालों का जो है जी जी क्या कहेंगे इस पे? हम यही कहेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक कोपागंज के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। मैं खुद वहाँ पे सुबह 9:30 से लेके शाम को 6 बजे तक उपस्थित रहता हूँ और कोई भी आके मुझसे कभी भी मिल सकता है। हमारे यहाँ दलाल बिल्कुल भी नहीं है, एक भी दलाल आपको हमारी शाखा में नहीं मिलेगा और किसी भी तरह का पैसा वैसा नहीं लिया गया है। अभी तक जितने भी लोन हुए हैं, KCC लोन हुए हैं, अबाल हुए हैं, एग्री बेस्ड एसेट बैक लोन हुए हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक में इस तरह कोई भी मतलब कि गलत प्रैक्टिस नहीं चल रही है ना। तो आप सभी लोग को, प्रधान जी लोग को मैंने अपना खुद का पर्सनल नंबर दिया हुआ है, जिसको भी ऐसा अगर कोई सुविधा चाहिए तुरंत हमसे आके संपर्क कर सकते। हमारा नोट कर लीजिए 87 87 32 13 97, 8787321397। साथ ही शाखा में वीरेंद्र कुमार जी हैं, ये लोन ऑफिसर, उनका चेहरा दिखा दीजिए वहाँ पर, लोन ऑफिसर हैं, उनसे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं।